In today's class, we will discuss about the searching into BST and insertion into BST. Before searching, we will see what is BST. BST is a tree in which the left subtree of the root is lesser than or equal to the node key, and right values are always greater or equal to the root of the tree. In this example, 40 is the root and left subtree is smaller than left 40. And right subtree is higher than 40 value. Clear? Up. This is the example of search an item into BST. इसमें आपको searching की दिखाया हुआ है. Suppose I want to search out the value 60. मतलब मुझे search करना है यहाँ पर 16 को. ठीक है? तो सबसे पहले हम कहाँ से start करेंगे? हम start करेंगे root से. Root क्या है आपका यहाँ पर? 15 है आपका root. आपने 15 से start कर दिया. आपने 15 को देखा, आपको सर्च करना है यहाँ पर 16 को, तो आपने देखा 16 की वैल्यू 15 से ज़्यादा है, तो BST में आप इसके राइट मूव करें. अब आपने यहाँ पर 20 से कंपेयर किया, तो 16 को देखा आपने, 16 जो है 20 से स्मॉलर है, तो आप यहाँ पर इसके लेफ्ट सब ट्री में चले गए. फिर आप आ गए यहाँ पर 18 में. फिर आपने 18 पे कंपैरिजन किया कि 18 इज आल्सो ग्रेटर देन 16. ग्रेटर है 18, आप मतलब रूट बड़ा है, तो इसका मतलब 16 क्या होगा, कहीं ना कहीं लेफ्ट में होगा, तो आप इसके लेफ्ट में मूव कर गए. और यहाँ पर आपने लेफ्ट में मूव किया और आपको यहाँ पर 16 जो है फाइंड आउट हो गया. तो दिस इज द वे हाउ टू सर्च एन आइटम इन टू बी एस टी. स्टार्ट फ्रॉम द रूट एंड कंपेयर थ्रू द रूट. जैसे यहाँ पर हमने 15 से कंपेयर किया है 16 को, 16 बड़ा है तो अपन राइट में आ गए. अगर मान लो सपोज मुझे 12 को सर्च करना होता तो वो 15 से स्मॉलर है, तो अपन उसके लिए लेफ्ट में मूव करते हैं. ठीक है, तो 16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 15, तो आप राइट में मूव किए. फिर आपने 20 से कंपेयर किया, आपने देखा 20 से 16 स्मॉलर है, तो आपने लेफ्ट में मूव किया. देन 18 से कंपेयर किया, वो इससे स्मॉलर है, तो आपने उसको लेफ्ट में मूव कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी भी आइटम को आप यहाँ पर BST के अंदर बेसिकली सर्च आउट कर सकते हैं. अब आता है इसका एल्गोरिथम. एल्गोरिथम टू सर्च एन आइटम इनटू BST, मतलब हमको किसी आइटम को बाइनरी सर्च ट्री के अंदर फाइंड करना है कि वो आइटम की लोकेशन क्या है, उसका पेरेंट क्या है. ठीक है, तो इसके लिए जनरली मैं एक एल्गोरिथम राइट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मैंने लिखा है फाइंड, और ये डिफरेंट मैंने इसके अंदर आइटम्स लिए, इन्फो, लेफ्ट, राइट, रूट, ये सब मुझे ट्री के अंदर नीड है. उस आइटम को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, उसकी लोकेशन को देखना चाह रहा हूँ, और उसके पेरेंट को सर्च आउट करना चाह रहे हैं. तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर मूव ऑन करनी होंगी, और जिसके अकॉर्डिंग मैं पर्टिकुलर उस आइटम को यहाँ पर सर्च कर पाऊँगा. मतलब सर्च करने के लिए मुझे एक ट्री चाहिए, ट्री का लेफ्ट चाहिए, ट्री का राइट चाहिए, ट्री का रूट चाहिए, उस आइटम को देखना है मुझे, और उसके लोकेशन को फाइंड आउट करना है, और उसके पेरेंट को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये बाइनरी सर्च ट्री थी, कोई आपका BST है मेमोरी के अंदर, और आपको आइटम की इंफॉर्मेशन गिवन है, और दिस प्रोसीजर फाइंड द लोकेशन LOC ऑफ आइटम इन ट्री. आप उस पर्टिकुलर आइटम की लोकेशन को ट्री के अंदर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और साथ में उस आइटम की पेरेंट की लोकेशन को भी देखना चाह रहे हैं. ये आपका इसके अंदर सर्चिंग ऑपरेशन है, ये आपका मेन मोटो है. तो इसके अंदर तीन स्पेशल केसेस हो सकते हैं, थ्री स्पेशल केसेस आर ओवर देयर. फर्स्ट वन, कि जिस आइटम को आप सर्च करना चाह रहे हैं वो उस ट्री के अंदर है ही नहीं, मतलब ट्री ही आपका कंप्लीटली ब्लैंक है. मतलब इफ लोकेशन इक्वल्स टू नल एंड उस लोकेशन का पेरेंट भी नल है, मतलब उस ट्री के अंदर कुछ है ही नहीं, तो दैट विल इंडिकेट दैट ट्री इज एम्प्टी. तो पहला केस तो वो हो गया जब ट्री आपका एम्प्टी है. द फर्स्ट केस इज वेयर योर ट्री इज एम्प्टी. क्लियर? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
The first case is when your Yes. is entering, when location equals to null and parent equals to null. The first case is when tree is empty. Second case वो जब आप उस आइटम को जिसको भी सर्च करना चाह रहे हो वो आपके रूट पे है. इसका मतलब उसकी लोकेशन कहीं नहीं है लेकिन पेरेंट नल ए पेरेंट इक्वल्स टू नल मतलब उसका पेरेंट नल है. मतलब पेरेंट नल है इसका मतलब क्या है, उस ट्री के अंदर सिर्फ एक ही आइटम है जो कि रूट है और रूट ही ट्री के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता है. क्योंकि रूट जो है वो मेन मुखिया है आपके ट्री का, उसका कोई पेरेंट वहां पर नहीं है, उसके ऊपर कोई भी उसके अंदर पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट नहीं होता है. इफ पेरेंट इक्वल्स टू नल एंड लोकेशन इज नॉट इक्वल्स टू नल दैट मींस द आइटम इज ऑन द रूट. ये हो गई आपकी सेकंड केस. फर्स्ट केस वो हुआ जब आपका ट्री एम्प्टी था, सेकंड वो केस हुआ जब आपका आइटम रूट पर है. फिर थर्ड केस आता है लोकेशन इक्वल्स टू नल एंड पेरेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल विल इंडिकेट दैट आइटम इज नॉट इन टी. मतलब जिस आइटम को आप सर्च करना चाह रहे हैं वो उस ट्री के अंदर है ही नहीं. तो उस केस में जब है ही नहीं तो वो बात ही खत्म हो जाती है कि वो आपका आइटम उसके अंदर फाइंड आउट ही नहीं हुआ. मींस लोकेशन इक्वल्स टू नल एंड पेरेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल मतलब ट्री के अंदर आइटम तो बहुत सारे हैं लेकिन वो उस पर्टिकुलर आइटम की लोकेशन वहां पर प्रेजेंट नहीं है. तो उस केस में आप उस आइटम को एज ए चाइल्ड उस नोड को एज ए ऐड कर सकते हैं और उसकी लोकेशन को आप सेट आउट कर सकते हैं. तो ये आपके थ्री स्पेशल केस हैं. फर्स्ट केस इज व्हेन ट्री इज एम्प्टी, सेकंड केस इज व्हेन आइटम इज द रूट ऑफ ट्री एंड द थर्ड केस इज व्हेन पर्टिकुलर आइटम इज नॉट इन ट्री. ठीक है, सबसे पहला केस देखेंगे यहाँ पर व्हेन ट्री इज एम्प्टी. ट्री एम्प्टी है तो आपको पता है वहाँ उस ट्री के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर रूट ही नहीं होगा. जब कोई रूट ही नहीं होगा तो वो ट्री ही नहीं होगा. इफ रूट इक्वल्स टू नल देन सेट लोकेशन इक्वल्स टू नल एंड पेरेंट इक्वल्स टू नल एंड रिटर्न. यहीं से आप रिटर्न हो जाएंगे. मतलब ये चीज ये बता रही है कि आपका ट्री वहाँ पर एम्प्टी है, उस ट्री के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. और ये चीज मुझे यहाँ पर पता चल रही है इफ रूट इक्वल्स टू नल. अगर उस ट्री का कोई रूट ही नहीं है तो उस ट्री के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं. ठीक है, सेकंड स्टेप आइटम एट रूट. कि रूट तो है और उसी रूट पर वो आइटम है, इसका मतलब जिस आइटम को आप सर्च करना चाह रहे हैं इफ आइटम इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन ऑफ रूट. ये आपका सेकंड केस हो गया. ये आपका पहला केस हो गया. इफ आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ रूट सेट लोकेशन इक्वल्स टू रूट एंड पेरेंट इक्वल्स टू नल. मतलब एक रूट ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता है, तो आप उसकी लोकेशन तो सेट कर देंगे रूट की और ये पेरेंट है, पेरेंट इक्वल्स टू आपका नल, उसका पेरेंट नल हो जाएगा और यहीं से आप रिटर्न हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आपका दूसरा केस हो गया जब आइटम आपका रूट पर है. पहला केस वो हुआ जब आपका ट्री एम्प्टी है. अभी इसमें आगे लिखेंगे. अब आप इसके अंदर बेसिकली आप पॉइंटर्स को, डिफरेंट पॉइंटर्स को आप इनिशियलाइज करेंगे कि वैल्यू आप कैसे उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जैसे हमने वहां पर लास्ट एग्जांपल के अंदर, ये जो आपका एग्जांपल था इसमें आपने सर्च किया था 16 को. 16 को सर्च करने के लिए सबसे पहले मैंने इसे रूट से कंपेयर किया था. अगर रूट से वैल्यू बिगर थी तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे, फिर यहाँ पर इसको रूट बनाया और फिर हमने देखा लेफ्ट से लेफ्ट पर जाएंगे, फिर यहाँ पर देखा, फिर हम इसके अगेन लेफ्ट पर गए, तब जाके वो कहीं आइटम हमें सर्च किया. मतलब अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा उसके रूट से. ठीक है, तो इनिशियलाइज द पॉइंटर, यहाँ पर हमने पॉइंटर्स को इनिशियलाइज किया. इफ आइटम इज लेजर देन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रूट, अगर स्मॉलर है तो आपका पॉइंटर मूव कर जाएगा लेफ्ट की तरफ और रूट की लोकेशन को आप सेव कर देंगे, जिससे कि हमें जो वापस आना पड़ेगा तो वो लोकेशन हमें वहां पर मिल जाए. ठीक है, अगर आइटम आपका स्मॉलर नहीं है, बिगर है, तो आपका पीटीआर कहाँ जाएगा, राइट ऑफ द रूट मूव करेगा एंड अगेन सेव द लोकेशन ऑफ रूट. ये आपने पॉइंटर्स को मूव करा लिया. अगर आपको लेफ्ट में मूव करना है तो लेफ्ट में और राइट में मूव करना है तो
राइट में, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में वहां पर जब हमको 16 को सर्च करना है तो यहां पर हम इसके राइट में मूव किए, क्योंकि आइटम जो है 15 से बड़ा है तो हम इसके राइट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम रिपीट करेंगे स्टेप 5 एंड 6 व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक आपका वो पर्टिकुलर पॉइंटर जो है आपका नल नहीं हो जाता, जब तक आपका आइटम वो सर्च नहीं हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप 5 जो है, इफ आइटम इज फाउंड मीन्स इफ आइटम इक्वल टू इन्फो पीटीआर देन उसकी लोकेशन पीटीआर के इक्वल हो जाएगी और उस पीटीआर का जो पेरेंट होगा वो उसका पेरेंट बन जाएगा जो कि ऑलरेडी आपके पास लोकेशन सेव है। ठीक है, अगर इन केस आपको फिर आगे मूव करना पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि इफ आइटम इज लेसर देन अगेन इन्फो पीटीआर वो फिर से फिर स्मॉलर है तो आप जो पीटीआर की लोकेशन उसको सेव कर देंगे और पीटीआर आपका अगेन मूव हो जाएगा लेफ्ट और पीटीआर। अगर ग्रेटर है तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, आपके राइट में चला जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में सबसे पहले हमने यहाँ पर कंपेयर किया है 15 से, राइट में गए यहाँ पर पहुँच गए। अब इन्फो और पीटीआर को हमने सर देखा यहाँ पर क्या है 20 है और हमारा आइटम क्या है 16 है, तो 20 इज ग्रेटर देन 16 तो उस केस में हम यहाँ पर लेफ्ट में मूव कर गए। फिर देखा, फिर अगेन हमने देखा इस 18 से कंपेयर किया, फिर हम अगेन लेफ्ट में मूव कर गए और फिर यहाँ पर इससे कंपेयर किया तो हमको यहाँ पर आइटम फाउंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेम वही चीज किया है, इफ आइटम इज लेसर देन इन्फो पीटीआर देन सेव पीटीआर एंड पीटीआर इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर, मतलब फिर हम अगेन लेफ्ट में आ गए। फिर हमने वापस रिपीट स्टेप किया, फिर देखा कि आइटम फाइंड आउट हुआ नहीं, फिर यहाँ पर सर्च किया, फिर अगेन हम लेफ्ट में आ गए, फिर यहाँ पर कंपेयर किया तो हमको वो आइटम 16 यहाँ पर मिल गया। तो ये रिपीट स्टेप हम 5 एंड 6 रिपीट करेंगे जब तक कि आपका पीटीआर नल नहीं हो जाता, जब तक कि आप लास्ट नोड पर नहीं पहुंच जाते तब तक। ठीक है, अगर इन केस आपको वो आइटम वहां पर मिलता नहीं है, इसका मतलब आपकी सर्च अनसक्सेसफुल होगी, तो उस केस में आप सेट कर देंगे सेट लोकेशन इक्वल्स टू नल एंड पेरेंट जो है प्रीवियस पॉइंट है आपका सेव पॉइंट, वहां पर आप उसे सेव कर देंगे। मतलब अब अगर मैं उस आइटम को इंसर्ट कराना चाह रहा हूं तो वो पेरेंट यहां पर उसका सेव है ऑलरेडी। ठीक है, सब बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, कुछ नहीं है। एक बार दोबारा देखते हैं, दिस इज द एल्गोरिथम टू सर्च एन आइटम इन टू बी एस टी, कि आपको बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी आइटम को आपको सर्च करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कोई आइटम ले लिया जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, उसका लेफ्ट राइट रूट लोकेशन और पेरेंट ये सब ले लिए। सबसे पहले इसके अंदर हम चल रहे हैं, देर आर द 3 स्पेशल केसेस। फर्स्ट वन इज व्हेन ट्री इज एम्प्टी, जब आपका ट्री ब्लैंक है। ब्लैंक है इसका मतलब पेरेंट में नल होगा और लोकेशन में नल होगा। सेकेंड केस, आइटम इज द रूट, रूट मीन्स पेरेंट नल नहीं हो सकता लेकिन लोकेशन, लोकेशन इज नॉट इक्वल टू नल बट पेरेंट इक्वल टू नल, मतलब रूट अगर ट्री के अंदर है इसका मतलब उसका पेरेंट वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, थर्ड केस आएगा आपका, थर्ड स्पेशल केस, दिस विल इंडिकेट दैट आइटम इज नॉट इन ट्री, कि आइटम आपका उस ट्री के अंदर है ही नहीं, मीन्स लोकेशन इक्वल टू नल एंड पेरेंट इक्वल टू नॉट नल, मीन्स कुछ ना कुछ पेरेंट तो बन रहा है लेकिन लोकेशन आपकी नल है, तो उस केस में आप चाहें तो उस आइटम को एज ए चाइल्ड वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 स्पेशल केस है, उसके बाद आपकी एल्गोरिथम वर्क करेगी। पहला केस आपने वर्क किया व्हेन ट्री इज इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स अगर आपका रूट ही नल है तो आपने लोकेशन भी नल कर दी एंड पेरेंट भी नल कर दिया, ये तो हो गया ट्री एम्प्टी। सेकेंड केस है आइटम एट द रूट, अगर आइटम आपका रूट पर है, If item equals to info of root, then search location equals to root and parent equals to null. और parent को आपने वहां पर null कर दिया basically. ठीक है, तो वहां पर आप उस parent को null करके चल रहे हैं basically. जैसे आपका parent वहां पर null होगा, तो आपका वहां पर पेरेंट नल हो जाएगा बेसिकली।
अब आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप अपने पॉइंटर्स को यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे. इफ आइटम इज लेसर देन इन फॉर्फ रूट तो आप लेफ्ट में मूव करेंगे और आप रूट की लोकेशन को सेव करते हुए चलेंगे. अगर आइटम आपका बड़ा है तो आप राइट में मूव करेंगे एंड आप रूट की लोकेशन को सेव कर देंगे. जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा कि आइटम मुझे 16 को सर्च करना था, तो 16 जो इससे बड़ा है तो हमने क्या किया, इस रूट के लोकेशन को तो सेव कर दिया और हम राइट में मूव कर गए. ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेप हुआ. नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप मूव कर रहे हैं, अगेन रिपीट स्टेप 5 and 6 व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक आप ट्री के एंड में नहीं पहुंच जाते हैं. ठीक है, उस केस के अंदर अगर आपको आइटम फाइंड आउट हो रहा है, इफ आइटम इक्वल्स टू इन्फो पीटीआर देन उसकी लोकेशन को आप सेव कर देंगे, आपको वो आइटम की लोकेशन मिल गई एंड जो आपने प्रीवियस लोकेशन सेव किया है वो उसका पेरेंट बन जाएगा. अगर अभी भी आपको आइटम फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो उस केस में इफ आइटम इज लेसर देन इन्फो पीटीआर, इफ आइटम इज लेसर देन इन्फो पीटीआर देन सेव पीटीआर एंड पीटीआर इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर. ठीक है, अगर आइटम आपका उससे बड़ा है देन सेव इक्वल्स टू पीटीआर एंड पीटीआर इक्वल्स टू राइट ऑफ पीटीआर, आप उसके राइट में मूव कर जाएंगे. तो इस तरीके से आप फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेप को रिपीट करेंगे व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल्स टू नल. ठीक है, और अगर आपको आइटम वहां पर सर्च नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपकी सर्च अनसक्सेसफुल है, देन सेट लोकेशन इक्वल्स टू नल, उसकी कोई लोकेशन नहीं मिलेगी और जो लास्ट तक आप मूव करे हैं उसको जो सेव आपका पॉइंटर है उसे एज ए पेरेंट बना दे. अब यहाँ पर कोई आइटम अगर आप इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर उस आइटम को इंसर्ट करा सकते हैं. तो दिस इज द एल्गोरिथम टू सर्च एन आइटम इनटू बीएसटी. ठीक है, तो ये एक सर्च का एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया. जैसे यहाँ पर मैंने 16 को सर्च किया तो सबसे पहले मैंने यहाँ देखा ये मेरा ट्री एम्प्टी नहीं है, 15 से 16 बड़ा है तो इसके राइट में वो आपने मूव किया. देन अगेन आपने 16 से कंपेयर किया, आपने लेफ्ट में मूव किया, फिर अगेन आपने लेफ्ट में मूव किया और लास्टली इससे कंपेयर किया तो वो आपको की फाइंड आउट हो गई है. ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी आइटम को सर्च करते हैं बीएसटी के अंदर. अब बात आती है कि आपने यहाँ पर आइटम को सर्च तो कर लिया, उसकी एल्गोरिथम को भी देख लिया, अब आपको इंसर्ट कराना है बीएसटी में. जैसा मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था, प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने 16 को सर्च किया था, यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ 16 को इंसर्ट कराना. इस 16 को मैं इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ. तो इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले मुझे वही मुझे एल्गोरिथम लगानी होगी फाइंड की, कि मैं 16 की लोकेशन को फाइंड करूँ कि मुझे 16 को कहाँ पर सर्च, कहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं. तो उसकी लोकेशन जब मुझे फाइंड आउट होगी तभी हम उस आइटम को उस पर्टिकुलर लोकेशन पर इंसर्ट करा सकते हैं. ठीक है, कब जाकर वो हमें वो आइटम मिलेगा और हम उसे इंसर्ट करा पाएंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले जब आपको 16 को इंसर्ट कराना है तो आपको उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद इंसर्ट कराने में कोई इशू नहीं है. तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर 16 को सर्च करना है, तो मैंने वही 15 को देखा, इससे कंपेयर किया, 16 जो है 15 से बिगर है तो वो कहाँ जाएगा, इसके राइट में जाएगा बेसिकली. और जब राइट में मूव करेगा तो राइट में ये 20 से कंपेयर होगा, और 20 से कंपेयर होने के बाद फिर वो अगेन आपके लेफ्ट में मूव करेगा, और लेफ्ट में मूव करने के बाद ये जाएगा 18 पर, और 18 पर देखेगा कि इसके राइट में इससे ज़्यादा वैल्यू आएंगी, तो आपको लोकेशन मिल गई कि आप उस आइटम को यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे इसके लेफ्ट में. मतलब ये जो आपका सेव पॉइंट है ये उसका पेरेंट बनेगा, और जो 16 है वो आपका यहाँ पर इससे अटैच हो जाएगा. मतलब आपको ये सेव लोकेशन मिल गई, आपने इस लोकेशन को सेव कर लिया कि 18 नाउ बिकम द पेरेंट ऑफ चाइल्ड 16, तो यू विल इंसर्ट 16 एट हेयर. तो सबसे पहले इंसर्शन कराने के लिए बीएसटी के अंदर आपको एल्गोरिथम आना चाहिए सर्चिंग का, फाइंड का, और फिर आप उस आइटम को इंसर्ट कराएंगे. तो इंसर्शन के एल्गोरिथम के अंदर आपको फाइंड के एल्गोरिथम को कॉल करना पड़ेगा, एज रिकर्सिवली कॉल होगा वहाँ पर, और कॉल होने के बाद जब वो आइटम आपको सर्च हो जाएगा तब उस आइटम को वहां पर आप इंसर्ट करा पाएंगे. ठीक है,
तो दिस इज द इंसर्शन इनटू बीएसटी। ये हम सिंपल मैं स्टेप में बात कर रहा हूँ कि आपको इंसर्ट करना है न्यू नोड को बीएसटी में, तो सबसे पहले आपको एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप उसे रूट से कंपेयर करेंगे, अगर वही लेफ्ट से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, मतलब रूट से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, अदरवाइज वो राइट में जाएगा, और जैसे उसकी लोकेशन मिल जाएगी आप उस आइटम को एज ए नोड वहाँ पर इंसर्ट कर देंगे जैसे ही आपको उसकी पोजिशन मिल जाएगी। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी बीएसटी के अंदर इंसर्शन के लिए, किसी भी बीएसटी के अंदर इंसर्शन के लिए नॉर्मली आपके चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप जिस नोड को आप वहां पर क्रिएट कराना चाह रहे हैं उसको आपको सबसे पहले उसका नोड क्रिएट करना होगा, और नोड क्रिएट होगा आपका अवेल लिस्ट के थ्रू, फिर आप उसे रूट से कंपेयर करेंगे, अगर वो नोड आपका रूट से स्मॉलर है तो आप लेफ्ट सब ट्री में मूव करेंगे, अगर बिगर है तो आप राइट सब ट्री में मूव करेंगे, और देन जैसे आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी तब आप वहां पर उसे इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल अप्रोच टू इंसर्ट इनटू बीएसटी। अब इसके एल्गोरिथम देखेंगे। अनिकेत सर, एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन इनटू बीएसटी, अब आप इसके अंदर इंसर्शन करा रहे हैं बीएसटी के अंदर बेसिकली, दिस इज द इंसर्शन इनटू बीएसटी। यहां पर हमने डिफरेंट थिंग्स ले लिए, इन्फो लेफ्ट राइट रूट अवेल आइटम लोकेशन। ठीक है, यहां पर क्या है, एक बीएसटी मेमोरी में है एंड एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, and this algorithm basically find the location of an item in T and add item as a new node in T at location LOC। मतलब आप BST के अंदर सबसे पहले जो आइटम आपको इंसर्ट कराना है उसको आप ऐड कराएंगे और उसके लिए आप उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसके एल्गोरिथम को राइट अप करेंगे, तो एल्गोरिथम को राइट करने के लिए पहले मैंने सिंपल स्टेप में से लिख लिया है INSBST info left root right root avail item LOC। बाकी सब चीज़ें वही हैं जो आपके ट्री के पॉइंटर के लिए आपको नीडेड हैं, बस लास्ट में आपने एक नया आइटम लिया यहाँ पर अवेल, जो कि अवेल लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने वो जो प्रीवियस एल्गोरिथम की उसको यहाँ पर आपने कॉल कर लिया, जिसके थ्रू आप जिस आइटम को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, मतलब आपने यहाँ पर कॉल कर लिया कॉल फाइंड, ये आपकी प्रीवियस एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आप यहाँ पर सर्च करेंगे उस आइटम की लोकेशन को और उसके पेरेंट को। अगर लोकेशन मिल जाएगी तो आप आगे मूव करेंगे, अदरवाइज इफ लोकेशन नहीं मिल रही है तो आप यहीं से एग्जिट हो जाएंगे। इफ लोकेशन, इसके थ्रू आपने लोकेशन फाइंड आउट किया, लोकेशन नहीं मिल रही है देन एग्जिट, अदरवाइज मूव ऑन द स्टेप नंबर 3। अब जैसे ही आपको इससे लोकेशन मिल गई तो आप क्या करेंगे, जिस आइटम को आपको इंसर्ट कराना है उसको इंसर्ट कराने के लिए आप यहां से, मतलब स्टेप 3 से आपकी एल्गो स्टार्ट होगी इंसर्शन की, तो आप क्या करेंगे उस आइटम को कॉपी कराएंगे इनटू न्यू नोड इनटू द अवेल लिस्ट। अवेल लिस्ट क्या होती है, अवेलेबल लिस्ट जिसके अंदर आप उस पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट कराएंगे, मींस कॉपी आइटम इनटू न्यू नोड इन द अवेल लिस्ट। ठीक है, पहला स्टेप, इफ अवेल इक्वल्स टू नल देन राइट ओवरफ्लो, आपकी अवेल नल है तो उस केस में ओवरफ्लो हो जाएगी, अगर नल नहीं है उसके अंदर कोई नोड है तो सेट न्यू इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इक्वल्स टू लेफ्ट अवेल, लेफ्ट मतलब उसमें आगे मूव करेगा और उसके अंदर आप उस आइटम को कॉपी करा देंगे। उस आइटम को आपने यहाँ कॉपी करा दिया और सेट लोकेशन इक्वल्स टू न्यू एंड लेफ्ट न्यू इक्वल्स टू नल एंड राइट न्यू इक्वल्स टू नल, उसकी आपने मतलब आपने क्या किया कि अवेल से एक नोड को ब्रेक कर लिया, ये एक न्यू नोड आपने बना लिया ट्री के अंदर, यहाँ पर एक न्यू नोड आपने बना लिया, क्रिएट कर लिया, आपने अवेल लिस्ट से ले लिया, इसका लेफ्ट नल है, यहाँ पर लेफ्ट में कुछ नहीं है और राइट में कुछ नहीं है। जैसे आप 16 को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो 16 को आपने यहाँ पर इंसर्ट करा दिया
और यहाँ लेफ्ट में कुछ नहीं है और राइट में कुछ नहीं है, अब आप इसको यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे। मतलब इस थर्ड स्टेप के अंदर हमने सिर्फ क्या किया है, कॉपी किया आइटम को एक नए नोड के अंदर जो कि अवेल लिस्ट के अंदर होगा। यहाँ से मैंने एक नोड ब्रेक किया अवेल लिस्ट का, यहाँ पर मैंने 16 को कॉपी कराया, इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है और इसके राइट में भी कुछ नहीं है। सेट लोकेशन इक्वल्स टू न्यू, लेफ्ट ऑफ न्यू इक्वल्स टू नल एंड राइट ऑफ न्यू इक्वल्स टू नल, ठीक है। अब आप इस आइटम को आप ट्री में ऐड करेंगे, मतलब जैसे हमने यहाँ प्रीवियस एग्जांपल में देखा है, देखो ये अब ये नोड मैंने 16 बना लिया, अब मुझे यहाँ इसकी लोकेशन मिल गई तो अब मुझे यहाँ पर इसको सेट करना है बस, और कुछ नहीं करना। सर्च हम फर्स्ट स्टेप में कर चुके हैं और थर्ड स्टेप के अंदर हम अवेल लिस्ट से नोड लेके इसको कॉपी करा चुके हैं। अब फोर्थ स्टेप के अंदर हम उस पर्टिकुलर आइटम को यहाँ पर ऐड कराएंगे, ऐड आइटम इनटू द ट्री, बेसिकली ऐड आइटम टू द ट्री। ए पेरेंट इक्वल्स टू नल, अगर आपका पेरेंट नल है, ए पेरेंट इक्वल्स टू नल देन सेट रूट इक्वल्स टू न्यू। ए पेरेंट इक्वल्स टू नल, अगर आपका पेरेंट नल है तो आपको उसको रूट बना देना है। एल्स इफ ए पेरेंट इफ आइटम इज लेस देन इन 4 PTR, उससे स्मॉलर है, देन लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट ऑफ PAR इक्वल्स टू न्यू, एल्स पार्ट में वो राइट में चला जाएगा। ये फोर्थ स्टेप के अंदर हमने उस पर्टिकुलर आइटम को वहां पर ऐड कर दिया। मीन्स ये जो फोर्थ स्टेप है आपका, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ऐड आइटम टू द ट्री। इफ पेरेंट इक्वल्स टू नल देन इट विल बिकम द रूट। अगर इन्फो आपका छोटा है तो आप लेफ्ट में जाके उसे ऐड कर देंगे, अगर बिगर वैल्यू है तो आप उसे राइट में ऐड कर देंगे। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप टू ऐड द एलिमेंट, सिंपल थिंग। इसमें चार स्टेप हैं। पहला स्टेप, आप उस आइटम को सर्च करने के लिए फाइंड के एल्गोरिथम लगा रहे हैं। सेकंड, अगर आपकी वो लोकेशन नहीं मिल रही है तो यहीं से एग्जिट हो जाएंगे, अगर मिल रही है तो आप आगे मूव करेंगे। स्टेप थ्री के अंदर आप कॉपी करेंगे आइटम को न्यू नोड के अंदर अवेल लिस्ट से, मतलब मैंने यहाँ पर अवेल लिस्ट से एक नोड ले लिया और उसमें 16 को कॉपी करा दिया और फिर उस आइटम को अब ऐड कर देंगे। अगर पेरेंट नल है तो इस 16 को रूट बना देंगे यहाँ पर, अदरवाइज 16 आपका लेफ्ट में चला जाएगा और एल्स पार्ट में आपका 16 राइट में मूव हो जाएगा। तो दीज आर द स्पेशल फोर स्टेप फॉर द एल्गोरिथम फॉर द इंसर्शन इनटू BST, ठीक है। सेम अगर हम ये एग्जांपल देखें, जैसे हमने पहले भी इस एग्जांपल को देखा था कि आपको किसी आइटम को ऐड कराना है, तो जैसे सपोज मुझे यहाँ पर आइटम 55 को ऐड कराना है इसके अंदर, तो आइटम जब हम 55 यहाँ पर जब हम ऐड कराएंगे तो ऐड कराने के लिए बेसिकली मुझे करना क्या होगा, 40 पे देखूंगा, 40 के 55 राइट में बड़ा है तो 60 पर मूव करेंगे, फिर देखेंगे 55 60 से लोअर है तो आप 50 पर जाएंगे। तो यहाँ आपको लोकेशन मिल गई कि 50 के राइट में आपका 55 ऐड होगा, क्योंकि 55 जो है वो 50 से बिगर है। तो आप यहाँ पर जो आपका ये आइटम है 55, वो आपका बेसिकली राइट में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर आइटम को आप यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 55 वो आपका लास्टली ऐड हो जाएगा, ये आपका 55 यहाँ पर ऐड हो गया। मतलब आपने इसको सर्च किया 40 से, कंपेयर किया बिगर वैल्यू है तो आप गए 60 पर, फिर आपने 60 पर कंपेयर किया कि स्मॉलर वैल्यू तो आप गए लेफ्ट पर। अब आपको 55 इंसर्ट कराना है, तो आपको पता है जब हम मैं इससे कंपेयर करूँगा तो 55 जो होगा वो 50 से ग्रेटर होगा, तो आप उसके राइट में मूव करेंगे, तो आपने यहाँ पर उसको राइट में मूव करा दिया। तो इस तरीके से आपका जो इंसर्शन होता है